छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार की दोपहर राजधानी रायपुर के राजीव भवन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में अवैध शराब को लेकर बीजेपी के नेताओं में एक और जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वहीं बजरंग दल के लोग द्वारा मेरा रास्ता रोक लिया गया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके आगे उन्होंने कहा कि डीपीएस स्कूल की 4 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इस मामले में विधानसभा में भी हम लोगों ने 2 दिन तक के स्थगन लाया था, उसके बाद भी लगातार स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आप देखेंगे हमारे दुर्ग जिले में किस प्रकार से मुझे जेड सुरक्षा प्राप्त है और बजरंग दल के गुंडे बिना कोई सूचना के, बिना कोई कारण के मुझे रास्ता रोक लेते हैं। मतलब उनकी दुस्साहस इतनी बढ़ गई, हम किसी भी रोक सकते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि एसपी और थानेदार भी उन गुंडों से डरते हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 5 जुलाई की जो घटना घटी, उस घटना में एक 4 साल के अबोध बालिका के स्वास्थ्य खराब होता है और उसके बाद उसके डॉक्टरी जांच की जाती है तो उसमें पाया जाता है कि उस लिखा हुआ है कि इसके प्राइवेट पार्ट में जख्म है, वो ठीक नहीं होता। और 15 दिन बाद 20 तारीख को बीएम शाह हॉस्पिटल में भी उसकी जांच होती है। ये बात धीरे धीरे पालकों के बीच में पहुंचती है तो 2 अगस्त को पूरे पालक वहां जाते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वहां पालक लोग प्रिंसिपल को घेर लेते हैं और प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने जांच की है और इसमें कोई अपराध नहीं पाया गया है। ये प्रिंसिपल कह रहे हैं।